स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को डीवीस लेबोरेटरीज लिमिटेड के साथ में। तो डीवीस लैब का ये शेयर है और कंपनी की Q4 की अर्निंग्स आज के दिन रिलीज हुई है। शेयर के करंट प्राइस की बात करें तो 3092 रुपये का करंट प्राइस है। 61.50 रुपये की गिरावट के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। 2% के आसपास की ये गिरावट है और गिरावट के पीछे का रीजन Q4 के अर्निंग्स आने के पहले जो एक भगदड़ सी मस्ती है किसी भी कंपनी में, वही हम इसको मान के चल सकते हैं। 5 दिन की परफॉर्मेंस में अगर देखें तो 7% के आसपास की गिरावट है। 1 महीने में 4% की, 6 महीने में 5% की, 1 साल में 20% के आसपास की गिरावट है। 4000 रुपये का हाई हमें देखने को मिलता है। 5 साल में इसने जो है 169% का रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर को दिया है। शेयर की बात करें तो अभी जो है अपने हाई से, जो इसका हाई है लगभग 5500 रुपये के आसपास का, वहाँ से जो है 40% के आसपास के डिस्काउंट के साथ शेयर जो है क्रैश अभी के समय, यानी कि मार्केट में जो है अभी चल रहा है। अगर देखें मैक्सिमम रिटर्न की बात तो 34255% का रिटर्न है। कंपनी लॉन्ग टर्म में जो है होल्ड करने लायक थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी ना तो अच्छी अर्निंग्स कमा पा रही है और ना ही शेयर का चार्ट जो है हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। डीवीस लैब Q4 नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 64% टू ₹318.79 करोड़ लैक्स इस्टीमेट। तो 318 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, लेकिन जो इस्टीमेट है इस्टीमेट को यहाँ पे मिस कर दिया है। इस्टीमेट से ये लोग पीछे रह गए हैं। जो इस्टीमेट लगाया गया था, इस्टीमेट जो है 373 करोड़ के आसपास का लगाया गया था, जिसको कंपनी ने मिस कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी का भी लगभग अनुमान लोगों ने लगा लिया था कि नंबर्स कंपनी के अच्छे नहीं आ रहे हैं, उस वजह से जो है सेलिंग जो है हमें मार्केट में देखने को मिली इस कंपनी में, और गिरावट जो है 2% की गिरावट के साथ शेयर ने क्लोजिंग भी दी। अब कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखें पिछले साल सेम क्वार्टर में तो 883 करोड़ का जो है हमें देखने को मिल रहा था, तो बड़ी गिरावट है। साथ ही जो एस्टिमेट था उसको भी यहाँ पर मिस कर दिया है। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है 1908 करोड़ के आसपास का रहा है, ये गिरा है 23.5% के आसपास बाई ऑन बाई बेसिस पे। हालांकि 13% के आसपास की ग्रोथ इसमें देखी गई है। क्वार्टर थ्री का जो रेवेन्यू था वहाँ से, जो कि 1689 या कहीं 1690 करोड़ के आसपास का था। अब रेवेन्यू के मामले में एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो इस्टीमेट लगाए गए थे इस्टीमेट को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। 1863 करोड़ का इस्टीमेट था, जबकि रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है वो 1908 करोड़ के आसपास का किया है। पूरे 2023 की बात करें तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो 1808 करोड़ है, जो कि लगभग 38% डाउन है 2949 रुपये से, जो कंपनी ने 2022 में जनरेट किया था। टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 2023 में 7974 करोड़, जो कि 8991 करोड़ हमें 2022 में देखने को मिल रहा था। यानी कि रिवेन्यू के मामले में भी पिछले साल जो नंबर्स आए थे उसको जो है क्रॉस नहीं कर पाए हैं, उससे आगे कंपनी नहीं जा पाई है। 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने जो है डिविडेंड अपने इन्वेस्टर के लिए अनाउंस किया है। अब ये है कंपनी का चार्ट, और एक ब्रेकआउट शेयर देता हुआ देखने को मिल रहा था हमें, यानी कि कंपनी में जो है रिवर्सल लगभग स्टार्ट हो चुका था। 2800 रुपये की सपोर्ट के प्राइस से 3200 रुपये का कंपनी ने 3200-3300-3400 रुपये तक शेयर का प्राइस जो है जाता हुआ हमें देखने को मिला था, लेकिन वापस से जो है एक बड़ी रेड कैंडल वीकली चार्ट पे फॉर्म हुई है, जो कि 7% की गिरावट को जो है इंडिकेट करती है। तो यहाँ से क्या होगा, जिस तरह की Q4 की अर्निंग्स भी कंपनी ने रिलीज की हैं, आगे जाके शेयर का जो प्राइस जहाँ से रिवर्सल इसमें स्टार्ट हुआ था वहीं आता हुआ जो है हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि इस लेवल पर आता हुआ वापस से देखने को मिल सकता है। कंपनी में ग्रोथ हमें कब देखने को मिल रही थी, जब कोविड बिल्कुल पीक पे था और इनकी जो है सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रही थी, कंपनी के काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बढ़िया थे। लेकिन कोविड के जाने के बाद से जो है कंपनी का चार्ट आप देख लीजिए किस तरह से कंपनी का चार्ट चला है, यानी कि लगातार गिरावट उसमें हुई है, क्योंकि कंपनी जो है कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, रेवेन्यू घटा है, साथ ही मार्जिन भी कंपनी के ख़राब हुए हैं। तो ऐसे में जितनी भी ये लेबोरेटरीज वाली या फार्मा वाली कंपनीज़ हैं, कुछ ही कंपनी ऐसी हैं जो आगे चल पा रही हैं, कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो जिनके चार्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी जितनी सारी कंपनियां हैं सबके चार्ट हमें सेम पैटर्न में गिरते हुए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देखने को
मिलेंगे। कुछ कंपनियों में तो अभी तक एक बार भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। इसमें तो खैर हमें एक दो बार थोड़ा सा जो है रिवर्सल स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे रिवर्सल एक स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हुआ था, हालांकि फेल हो गया, एक रिवर्सल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तीन रिवर्सल स्टार्ट हुए थे लेकिन तीनों ही जो है इसमें फेल हो गए थे। तो सिंपल सजेशन ये है, शेयर अगर नहीं चलता है, Q4 की अर्निंग्स भी ख़राब है, तो जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि शेयर नहीं चलेगा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए, प्रॉफिट में नहीं है तो ऐड ऑन मत करिए, कम से कम इतना आप करके चल सकते हैं, क्योंकि ऐड ऑन जो है इन जैसी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो स्विच कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा।